हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर बता दूं आपको, हमारा भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और ये बात की घोषणा की है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की तरफ से। ये अनुमान लगाया गया है कि साल 2030-31 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जो कि हम सभी के लिए अच्छी बात है। और इसी बात पर लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मिशन में भारत के बैंकों की भूमिका अहम होगी। और बैंकों से वित्त मंत्री ने तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी बात कही है। चलिए खबर देखिए, फूड प्रोसेसिंग को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है फूड प्रोसेसिंग का। देश की राजधानी नई दिल्ली में ये 4 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की शुरुआत हुई। और इसी दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की तरफ से ये तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से दूर संचार कंपनियों को बड़ा झटका लगा। मतलब टेलीकॉम सेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। AGR गणना में गड़बड़ी से जुड़ी क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे ही ये टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज किया गया, उसके बाद स्टॉक में काफी गिरावट देखी गई। देखिए आप, वोडाफोन आइडिया का शेयर 19% तक गिरा, क्योंकि इस कंपनी पर सबसे ज्यादा 70,300 करोड़ का बकाया है। वहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा, एयरटेल बिजनेस और सिस्को ने लॉन्च किया एयरटेल SD ब्रांच। और इसका मकसद है हमारे देश के उद्यमों के लिए, मतलब कारोबार व्यवसाय वगैरह के लिए सरल सुरक्षित क्लाउड आधारित एंड टू एंड नेटवर्क समाधान व्यवस्था लॉन्च की है दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने 2 जनसभाएं की इलेक्शन के सिलसिले में। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस NC के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश हुआ, ये फिर से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया की ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती है। और पीएम ने ये भी बड़ी घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू के श्रीनगर से पीएम मोदी ने लोगों से ये वादा किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी मंजूरी दी, इससे 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा देश भर में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ ही ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को सरकार ने मंजूरी दी है। और इसका मकसद ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो आदिवासी बहुल क्षेत्रीय एरिया है, उसके तकरीबन 63,000 गांव में विकास करेगी सरकार। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय 25 अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। और देश भर के अलग अलग राज्यों में तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासियों को इस योजना का लाभ होगा। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में पक्के घरों का निर्माण करवाया जाएगा, श्रम स्कूलों और हॉस्टलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया जाएगा। तो ये वाकई में सरकार की अच्छी पहल है। वही खबर है, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र राज्य का दौरा करेंगे, यहाँ विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, महिलाओं और युवाओं को भी बड़ी सौगात देंगे। आज 20 सितंबर को पीएम महाराष्ट्र आ रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ करेंगे। ये दो अलग अलग योजनाओं के जरिए महिला और युवाओं को बड़ी सौगात देंगे। ये देख सकते हैं आप, आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना के जरिए 15 से 45 साल तक के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, मतलब स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार के विभिन्न अवसरों तक पहुंच सके। महाराष्ट्र राज्य में तकरीबन 1.5 लाख युवाओं को हर साल मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी ये एक नई योजना शुरू करेंगे महिला स्टार्टअप से जुड़ी। और पीएम मित्र पार्क की भी आधारशिला रखेंगे, जो कि तकरीबन 1,000 एकड़ में फैले इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम विकसित कर रहा है। और अपने इस महाराष्ट्र दौरे के दौरान वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। और इसके बाद दोस्तों, आने वाली 26 तारीख को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वाराणसी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी करेंगे, इसमें 1,015 करोड़ का खर्च आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टेक न्यूज से अपडेट आ रहा, गूगल करेगा लाखों जीमेल अकाउंट डिलीट। 20 सितंबर से पहले आप भी ये काम जरूर कर लें, वरना हो सकता है कि आपका भी जीमेल अकाउंट बंद हो जाए। तो आज इसकी लास्ट डेट है 20 सितंबर। और गूगल कंपनी ने कहा कि अगर आपने कई दिनों से अपना गूगल जीमेल या गूगल अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो रिस्क में है। गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। दरअसल कंपनी इनएक्टिव अकाउंट को डिलीट कर अपना सर्वर स्पेस फ्री करना चाहती है। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा दिनों से गूगल अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं या गूगल की कोई भी सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जीमेल अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट होने से बचाना चाहते हैं, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें और गूगल की किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका जीमेल अकाउंट एक्टिव रह जाएगा। अगर आप यूट्यूब में वीडियो वगैरह भी देख रहे हैं, गूगल फोटोज, ड्राइव, प्ले स्टोर, किसी भी गूगल की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। वरना कंपनी का कहना है कि 2 साल या इससे अधिक समय से इनएक्टिव अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल से जीमेल खोला भी नहीं है कभी, तो वो जीमेल आपका फिर डिलीट हो जाएगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 5 लाख आवास का निर्माण करवाया जाएगा, 24 फसलों पर किसानों को MSP की गारंटी मिलेगी। ये सब घोषणाएं की गई है BJP यानी भाजपा की तरफ से हरियाणा राज्य में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। मतलब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और
भाजपा के इस हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र में टोटल 20 बड़े वादे किए गए, जिसमें अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी समेत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। और भी बीजेपी के द्वारा किए हुए ये 20 बड़े वादों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको बताऊंगा, इससे एक दिन पहले ही हरियाणा में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें भी कांग्रेस ने 7 बड़े वादे किए थे, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए में गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह। तो अगर आप बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही घोषणा पत्र के बारे में डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के इलेक्शन मैनिफेस्टो को कंपेयर करते हुए ये वीडियो में सारी डिटेल दी हुई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पीएम मोदी को मिले तोहफों की ई नीलामी शुरू हुई। सिल्वर मेडलिस्ट निशांत कुमार के जूतों की कीमत सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए रखी गई, और ये जो नीलामी के जरिए पैसे आएंगे इनका नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा। ये ऑक्शन में जुड़े कुछ सामानों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर के प्रधानमंत्री को अलग अलग जगहों से मिले उपहारों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के युवाओं, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आईआईटी और आईआईएम के जैसे ही अब एनिमेशन की भी पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दे दी गई है। मतलब अब इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली अप्रूव कर दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, एक्सटेंडेड रियलिटी वगैरह इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे फिल्मों में वीएफएक्स वगैरह होते हैं, ये देख सकते हैं आप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ऑफिशियली ये ट्वीट किया गया, ये बाहुबली के पोस्टर का एग्जांपल देते हुए। तो ये एजुकेशन अब बच्चों को सिखाई जाएगी। फिल्म प्रोडक्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग, एडवर्टाइजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। ये वाकई में बहुत ही अच्छा प्लान किया है गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चे बच्ची आधुनिक टेक से जुड़ी शिक्षा, एजुकेशन भी ले पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के चलते प्रदर्शन देखा गया फिर से। सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, पुलिस से धक्का मुक्की भी की, वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम मांगा। वही खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में भी अब सीआरपीएफ की कैंटीन में लोगों को सस्ता सामान मिल पाएगा। 30-40% तक डिस्काउंट पर मिलेगा। 21 भंडार के अलावा 16 आउटलेट भी अलग से खोले गए। चलिए बड़ी खबर देखिए। वक्त पर बिल को लेकर जेपीसी की चौथी बैठक हुई। पिछली बैठक में टीएमसी सांसद ने विरोध किया था, सांसदों और अधिकारियों में बहस भी हुई थी, लेकिन अब हुई इस चौथी बैठक में ऐसा कोई विरोध नहीं देखा गया है। आपको बताऊंगा, हमारे देश में सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव लागू करने जा रही है। नए और पुराने कानून के ये 4 बड़े अंतर भी आप देख सकते हैं। चलिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए आप। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान एक छत नीचे गिर गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, कई सारे लोग ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कार्यक्रम को, तभी अचानक ये छत गिरने से 30 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। हालांकि ये छत चद्दर वगैरह की बनी हुई थी, अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है आती सी। उनके साथ नई कैबिनेट की शपथ होगी। 21 सितंबर को वो मुख्यमंत्री की शपथ लेगी और कैबिनेट में भी कुछ नए नाम आपको देखने को मिलेंगे। वही देखिए बड़ी खबर। हरियाणा राज्य में 2 दिन नहीं मिलेगी शराब, बंद रहेगी सभी दुकानें। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत एक तो मतदान के दिन और दूसरा मतगणना के दिन पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेगी। निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो 5 और 8 अक्टूबर को ये शराब की दुकानें बंद रहेगी, ठीक है ना। चलिए खबर है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची, और इससे पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। एमपी उज्जैन में राष्ट्रपति बोली, अहिल्याबाई का जीवन महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। इंदौर में उन्होंने डीएवीवी टॉपर्स के स्टूडेंट को गोल्ड मेडल भी दिए। उज्जैन में पूजन कर महालोक भी देखा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अडानी ग्रुप आगे आया, 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की आंध्र प्रदेश में लोगों को बाढ़ से राहत देने के लिए। चलिए खबर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की पूर्वी राज्यों के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक आज 20 सितंबर को उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। वही खबर है। अगले महीने अक्टूबर से शुरू होगी आधुनिक कृषि चौपाल। वैज्ञानिकों व किसानों के बीच सीधा संवाद होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह प्लान बनाया गया है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने खरीदा भारत का सबसे महंगा जेट। इसकी कीमत तकरीबन 987 करोड़ रुपए है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब गोल्ड लोन लेना और आसान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक कंपनी पर लगे बैन को हटा दिया। दरअसल आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, यानी अब इस कंपनी को गोल्ड लोन बिजनेस के लिए अनुमति मिल चुकी है, वरना इतने दिन इस पर पाबंदियां लागू थी, तो अब आप इससे भी गोल्ड लोन ले पाएंगे ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार के नवादा में एक बड़ी ही अमानवीय घटना देखी गई। कुछ दबंगों ने दलितों के 80 घर जला दिए। गांव वालों ने कहा कि कई राउंड फायरिंग भी की, पूरे इलाके में तनाव सा फैल गया। 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। बिहार के नवादा की यह घटना देखिए, मतलब दलित लोगों के साथ किस तरह की बदसलूकी हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। पश्चिम बंगाल कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा, और राहत भरी खबर यह आई कि अब अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे डॉक्टर। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर केस का मामला है, उस पर अब डॉक्टर्स कल 21 सितंबर से ही ड्यूटी पर लौटेंगे। हालांकि डॉक्टरों का कहना कि आंशिक हड़ताल अभी भी जारी रहेगी, और डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर उनकी मांगे नहीं मानी तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल
फिलहाल तो जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इमरजेंसी में तो कल शनिवार से ही काम शुरू हो जाएगा, हालांकि कुछ ओपीडी सेवाएं अभी भी बंद रहेगी, क्योंकि डॉक्टरों की 5 प्रमुख मांगे थी, जिनमें से 3 मांगे तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मान ली है और बाकी 2 मांगों को लेकर डॉक्टर अभी भी अड़े हुए हैं। तो ये मांगे भी इनकी जल्द पूरी करने की मांग है। वही खबर है, ईडी ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र का एक नया प्रमुख भी नियुक्त किया, संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में बोले कि ये सनातन धर्म के उदय का समय है, लोगों को वैदिक जीवन अपनाना चाहिए, दुनिया का नजरिया भी इनके प्रति बदल रहा है। वही देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 37,000 फैसलों का हिंदी में अनुवाद किया गया और अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की प्रक्रिया जारी है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी आपको देश के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए खबर देखिए, अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, यूएन को भी संबोधित करेंगे। कल 21 से 23 सितंबर तक उनका अमेरिका दौरा होगा। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस दौरान ट्रंप वगैरह से भी मुलाकात करेंगे, मैंने आपको कल ही बताया था। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, अब पीएफ खाते से एक ही बार में निकाल सकेंगे 1,00,000 रुपए। सरकार की तरफ से लिमिट बढ़ा दी गई है, अभी तक ये लिमिट 50,000 रुपए तक ही थी, लेकिन जिससे सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना कि लोग अक्सर शादी, चिकित्सा, इलाज, उपचार वगैरह इन खर्चों के लिए ईपीएफओ की बचत का सहारा लेते हैं, तो अब ऐसे किसी भी इमरजेंसी के टाइम में आप अपने ईपीएफओ के खाते से एकमुश्त 1,00,000 रुपए तक विड्रॉ कर पाएंगे। चलिए खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए आप, अब 2 वर्ष तक एलटीसी पर करें कश्मीर लद्दाख, पूर्वोत्तर व अंडमान की सैर, सरकार ने यात्रा के लिए ये समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय कर्मचारी अब आराम से घूम फिर पाएंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, केरल की स्वास्थ्य मंत्री बोली कि एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि निपाह की जांच में 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो कि राहत की बात है। वहीं देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, इस देश में 1/3 से भी ज्यादा युवा गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित है। वैसे तो ये रिपोर्ट सिंगापुर, जो कि एक बहुत ही अच्छी डेवलप कंट्री है, उनके युवाओं पर की गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अच्छे विकसित और अमीर देश में भी युवाओं के ये हालात है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी युवा काफी चिंता में और मानसिक रूप से अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए युवाओं को हमेशा मेडिटेशन, योगा वगैरह करना चाहिए। और वैज्ञानिकों की एक और चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, ग्रीनलैंड में पिघलती बर्फ है दुनिया भर में जलवायु के लिए खतरा पैदा हो सकती है। हर साल 300 गीगाटन बर्फ पिघल रही है, जिनसे समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा, जिसके चलते कई समुद्री किनारों से जुड़े शहर डूब सकते हैं। और यूएन की एक और रिपोर्ट देखिए आप, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने में अभी 40 साल लगेंगे और बाल विवाह की कुप्रथा को भी दूर होने में तकरीबन 7 दशक लगेंगे, यानी आने वाले 70 सालों बाद लोग इतने एजुकेटेड और इतने समझदार होंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, 22 सितंबर को जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत। वही खबर है दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर 2 से 31 अक्टूबर के बीच विशेष अभियान 4.0 चलाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में संसद टीवी 83 कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया। और भारत का एक बड़ा समझौता देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये अपील की है कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें माता पिता, क्योंकि किसी देश को अच्छा विकसित बनने के लिए बेटियों की अहम भूमिका भागीदारी होती है, इसलिए सभी माता पिता अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, बेटा बेटी में कभी भेदभाव ना करें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक बात याद दिला दूं आपको, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश के हालात नहीं रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई, पहाड़ों में ठंड का माहौल भी शुरू हो गया है, क्योंकि अभी राजस्थान में भी धीरे धीरे मानसून कमजोर हो रहा है, यही वजह की 4 दिन तक बरसात का अलर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ भी 4 दिन राहत रहेगी, भोपाल समेत 6 जिलों में 50 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए दोस्तों आप, उड़ीसा के 4 जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 11,000 से ज्यादा को शिफ्ट किया गया। और झारखंड में देखिए, आज और कल 20-21 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा आप। छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा मौसम, 2 दिन बाद फिर से बरसात शुरू होगी, आज 20 सितंबर से कई जिलों में बौछारें पड़ेगी। बिहार का मानसून अपडेट है, गंगा नदी उफान पर चल रही है, 5 जिलों के 550 स्कूल बंद किए गए, बेगूसराय में 2 लाख की आबादी प्रभावित है और राजधानी पटना में तो लोग बाढ़ की वजह से पलायन भी कर रहे हैं। हरियाणा में भी एक्टिव मानसून से बदला मौसम, 24 घंटों में 7 जिलों में झमाझम बारिश देखी गई। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट आई, 4 जिलों में हालांकि आज बारिश का अलर्ट है। पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश की चेतावनी, मौसम अब बदलेगा और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, किन किन जिलों में हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने में तो गिरावट देखी गई, चांदी थोड़ी महंगी हुई, सोने में भी हालांकि मामूली 55 रुपए की कमी के बाद अभी सोने का रेट 73,202 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 869 रुपए बढ़कर 88,275 रुपए
रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट्स देखिए आप। यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट के बाद यानी अमेरिका ने केंद्रीय बैंक में 2.5 साल में पहली बार ब्याज दरें घटाई और इसके बाद पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर असर दिखा। अमेरिका में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया गया। 4 साल बाद यह बदलाव हुआ। तो ये अमेरिका के फेड रेट में कटौती के बाद हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी निफ्टी बैंक में पहली बार 53,000 का आंकड़ा छुआ। सेंसेक्स ने और निफ्टी ने दोनों ने नया हाई रिकॉर्ड बनाया। एनर्जी, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में भी तेजी देखी गई। और देखिए एक अपडेट, एयरटेल कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है और ये मुकाम हासिल करने वाली हमारे देश की चौथी कंपनी बन चुकी है एयरटेल कंपनी, जबकि इस साल की शुरुआत में ये 7वें नंबर पर थी। लेकिन इस साल अच्छा खासा इसका मार्केट कैप बढ़ा है। सिर्फ इसी साल एयरटेल के स्टॉक ने भी 65% का रिटर्न दिया। और वहीं निवेशकों के लिए खबर है, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया डिजिटल भारत फंड। 100 रुपए के SIP से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सरकार ने आंकड़ा जारी किया, अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 6.9 करोड़ पहुंची। और वहीं एक और बड़ा फैसला देखिए, केंद्र सरकार ने DBT की बायो राइड योजना को भी मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले की डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बताई दी है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है इलेक्शन पर। देखिए आप पंजाब में 20 अक्टूबर को होंगे पंचायत चुनाव, अधिसूचना भी जारी कर दी चुनाव आयोग की तरफ से। वहीं देखिए हरियाणा में भी इलेक्शन के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक है। राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बोले थे कि 370 की बहाली चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच ये कटाक्ष भरी बयानबाजी देखी जा रही है। वैसे हरियाणा चुनाव में दिल्ली के CM केजरीवाल की भी एंट्री होने जा रही है। 13 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अब वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की खैर नहीं, क्योंकि CCTV कैमरों के जरिए इन ट्रेनों की निगरानी की जाएगी। आए दिन ऐसी घटनाएं काफी देखी जाती हैं। उसके बाद अब रेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी एक और ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की घटना सामने आई। ट्रैक पर मिला 6 मीटर लंबा लोहे का खंभा। पता नहीं कुछ आया सामाजिक तत्वों को रेलवे से क्या दिक्कत हो रही है। आए दिन रेलवे की पटरियों पर कभी सीमेंट के कट्टे मिलते हैं, कभी क्या मिलता है, कभी क्या मिलता, मतलब चल क्या रहा है यार ये। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे उठाई गिरे बदमाशों के लिए, कमेंट करके बताओ देखे मुझे। चलिए अगली एक सरकारी योजना की जानकारी देखिए आप। इस राज्य की तकरीबन 37 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,250 रुपए। दरअसल असम राज्य सरकार की तरफ से एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की गई है और अरुणोदय 3.0 के तीसरे संस्करण का अनावरण किया। और इसी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,250 रुपए दिए जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना वगैरह है ना, वैसे असम सरकार ने माताओं बहनों के लिए यह योजना शुरू की है। हालांकि इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं और ट्रांसजेंडरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से शुरू किया सरकार ने। 440 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी असम सरकार इस योजना पर है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। उत्तराखंड में अब सड़क किनारे तंबू लगाकर रह रहे परिवारों का सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ये प्लान बनाया है ताकि उन लोगों को भी रहने के लिए आशियाना घर मिल सके। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब आपको घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा बसों के लिए, क्योंकि घर बैठे ही बसों की लाइव ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन आप देख पाएंगे। यूपी में ये नई सुविधा शुरू की जा रही परिवहन विभाग की तरफ से। और किसानों के लिए भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। इस राज्य के किसानों को सरकार भेजेगी विदेश, जहां उन्हें किसानी और पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है और इसके लिए किसान भाई लोग राज किसान साथी पोर्टल पर 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सेलेक्टेड किसानों को राजस्थान सरकार विदेश भेजेगी खेती से जुड़ी नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए है ना। चलिए खबर है, सस्ती मिलेगी कार। ऑटो इंडस्ट्री में अब अंबानी की एंट्री हुई है। हर साल 7.5 लाख कार बनाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने अब ऑटो इंडस्ट्री में भी कदम रखने का प्लान बनाया है। और अगर ऐसा हुआ तो टाटा महिंद्रा मोटर्स की कारों को कड़ी टक्कर मिलेगी। दरअसल रिलायंस कंपनी भी अब हमारे भारत में इंडिया में इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने की योजना बना रही है। देखते हैं कब तक ये शुरुआत होती है, आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और वहीं राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, राजस्थान में लोगों को मुफ्त मिलेगी 1 महीने घरेलू गैस। 20 सितंबर से ये योजना शुरू करने जा रही, मतलब आज से ही राजस्थान सरकार, जहां पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस ये फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी भी आपको बताऊंगा, राजस्थान में सरकार गरीबों को 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर देती है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को। लेकिन इसके अलावा भी अब राजस्थान सरकार ये एक नया प्लान कर रही है, पाइपलाइन के जरिए भी लोगों को मुफ्त गैस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इस योजना का पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों के लिए MSP को लेकर भी जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि MSP को लेकर कमेटी की रिपोर्ट जल्द सामने आएगी और ज्यादा से ज्यादा फसलों पर किसानों को MSP दिलाने का सरकार प्लान कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही, डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के कगार पर आ रही है। उत्तराखंड में डॉक्टर अपनी कुछ मांगों को लेकर अगले महीने 4 अक्टूबर से हड़ताल करने की चेतावनी दी है सरकार को। ये उत्तराखंड में डॉक्टरों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स ये कुछ पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम कंपनी का बड़ा ऐलान। 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। मेटा के इंस्टाग्राम की तरफ से फैसला लिया गया। अब 10 बजे बाद कोई अलर्ट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा टीनएजर्स को। माता पिता पेरेंट्स जो है वो इंस्टाग्राम में ये सेटिंग वगैरह कर पाएंगे। वही खबर देखिए, अलीबाबा ने पेश किए 100 से ज्यादा AI मॉडल्स। OpenAI और अन्य को भी टक्कर मिलेगी। इंटरनेशनल कंपनी है ये चाइना की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट के उद्घाटन में PM मोदी ने भी कहा कि भारतीय किसान देश के खाद्य इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और असम के मुख्यमंत्री ने नए राशन कार्ड योजना का भी उद्घाटन किया। NFSA से आयुष्मान भारत के
तहत मुफ्त इलाज मिल पाएगा लोगों को। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की तरफ से ये शुरुआत की गई है, घोषणा की गई, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों। स्त्री 2 फिल्म के कोरियोग्राफर जानी मास्टर को गिरफ्तार किया गया। 21 साल की एक असिस्टेंट ने उन पर कुछ इस तरह के हैरेसमेंट के आरोप लगाए, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े सिंगर हिमेश रेशमिया के पिताश्री का निधन हो गया। 87 साल की इनकी उम्र थी। 18 तारीख को इन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में अब चलेगी ई ग्रामीण सेवा, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इन सब के इलेक्ट्रिक में बदलाव को मंजूरी दे दी है। तो गांव में भी अब बस वगैरह और भी ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रिक ही चलेगी अब, है ना। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ भी एक्शन प्लान में बदलाव किया गया। AQI 200 के पार होते ही लागू होगा ग्रेप का पहला फेज, GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेप सिस्टम में ये दिल्ली सरकार की तरफ से बदलाव किया गया सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। पहले से ही दिल्ली सरकार एडवांस में ये प्लान किया है। चलिए रेल यात्रियों के लिए अच्छी गुड न्यूज आ रही। पंजाब में जल्द ही शुरू होने जा रही बुलेट ट्रेन। दिल्ली का 465 किलोमीटर का सफर मात्र 1 घंटा 40 मिनट में पूरा होगा। रेलवे की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा, देख सकते हैं आप इस बाबत ज्यादा जानकारी भी। और वहीं कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अब बिजली से संबंधित सभी कार्यों की लगातार होगी थर्ड पार्टी जांच। कमियां मिलने पर एक्शन भी लिया जाएगा। UPPCL के लिए सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। और खबर है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया और इसका उद्घाटन करते हुए बोले कि यहाँ हापुड़ वाला जूस या थूक लगी रोटियां नहीं मिलेगी। हाल ही में आपने देखे होंगे रेस्टोरेंट पर कई इस तरह के गंदे वीडियो वायरल हुए थे, तो उस पर भी CM योगी ने तंज कसा। वहीं एक और अच्छी खबर है, गाजियाबाद में 10,000 युवाओं को मिली नौकरी। CM ने नियुक्ति पत्र भी दिए रोजगार मेले के तहत। और खबर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समांतर बनेगा 8 लेन का नया एक्सप्रेसवे। NHAI की तरफ से निर्माण करवाया जाएगा, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। वहीं देखिए, UP उन्नाव में भी बनेगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का परिसर। युवाओं को इसमें बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। चलिए खबर है, पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों ने बंद की आयुष्मान योजना, क्योंकि 600 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया पंजाब सरकार ने। अस्पतालों में तकरीबन 600 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं। ये वजह है कि कई सारे अधिकतर प्राइवेट निजी अस्पतालों ने आयुष्मान सेवा के तहत इलाज ही बंद कर दिया अभी पंजाब में। झारखंड से बड़ी खबर देखिए आप, आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़ जाएगी सुविधाएं। इन कामों के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जारी करने जा रही 5 करोड़ रुपए। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति, शौचालय वगैरह के निर्माण करवाए जाएंगे, है ना। चलिए खबर है, आंध्र प्रदेश राज्य में नायडू सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है। अब प्राइवेट रिटेल सिस्टम से शराब की बिक्री हो पाएगी और इसे 1 अक्टूबर 2024 से ही आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट में कुछ फैसले लिए गए, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार की बदलेगी तकदीर। 4 नए एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण, जिसमें 1063 किलोमीटर तक का एरिया कवर किया जाएगा। 59,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के नीतीश सरकार का यह प्लान है। और वहीं बिहार में दोस्तों 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर भी एक नया निर्देश जारी किया गया है। नीतीश सरकार की तरफ से वाहन मालिकों को ये बड़ी राहत दी गई है। दरअसल वाहन यानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए ये बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। निजी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग अलग छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वाहन मालिकों को फायदा होगा और आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी जब लोगे तब आपको अच्छी खासी छूट मिलेगी, देख सकते हैं आप डिटेल। और वही खबर है दोस्तों, बिहार में सभी सरकारी भवनों में बिजली की समस्या आ सकती है। अगर 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाया अगर किसी सरकारी कार्यालय में, तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश जारी कर दिया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में भी अब निपाह वायरस पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। 3 महीने में ये तीसरी बार एडवाइजरी जारी की है, जबकि अभी तक राजस्थान में एक भी केस नहीं आया। उसके बावजूद राजस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। वही खबर है, राजस्थान में 23 अक्टूबर को यहाँ इन्वेस्टर मीट का आयोजन होगा। निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ कई MOU भी साइन किए जाएंगे। सीकर जिले में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। और राजस्थान जयपुर में भी देखिए, देश भर के 500 प्रतिनिधि और 6 इंटरनेशनल स्पीकर आएंगे। इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म पर RIC में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नए चिकित्सकों को कई नए नवीनतम अपडेट्स भी मिलेंगे। वही खबर है, राजस्थान सीकर में देखिए, खाटू श्याम जी मंदिर की थीम पर रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। पार्क और फाउंटेन बढ़ाएंगे खूबसूरती। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में अब सीमेंट कंपनियां बिना सरकार के मंजूरी के दाम नहीं बढ़ा सकेगी। राजधानी रायपुर में उद्योग मंत्री ने कारोबारियों के साथ बैठक की और मनमानी पर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च बचेगा, बार बार आचार संहिता लगने से विकास रुकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश में बलिया में नेशनल हाईवे भी आ गया। बिहार से भी संपर्क टूटा। यूपी का सबसे बड़ा रिहंद बांध ओवरफ्लो हुआ, 9 गेट खोले गए। एटा में तो सड़कों पर मगरमच्छ आ गए, इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। और खबर है दोस्तों, बिहार में आयुष्मान योजना के तहत 40 लाख रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए। डिप्टी CM बोले कि जागरूकता अभियान से बदलेगी स्थिति, बीमा स्कीम पर सरकार टैक्स भी कटा सकती है। वही देखिए, हरियाणा में आ जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के CM, और जगाधरी में ये रोड शो करेंगे। और देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पोर्टल भी चालू हुआ। लिस्ट में हिसार के 72 गांव का नाम शामिल है। 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। खबर देखिए आप, पंजाब में बनेंगे BMW कंपनी के स्पेयर पार्ट्स। मंडी गोविंदगढ़ में कंपनी लगाएगी प्लांट। मुख्यमंत्री अगले महीने करेंगे इसकी शुरुआत भी। और बड़ी खबर देखिए आप, गुजरात में मौसमी बीमारियों का कहर बड़ा गंभीर देखा जा रहा। 18 दिनों में 20 लोगों की जान चली गई। पिछले 12 दिन में डेंगू मलेरिया के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं गुजरात में। सिर्फ मच्छर जनित रोगों के मरीज ज्यादा हैं, इसलिए तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों, अभी मानसून के इस सीजन में मच्छरों
बीमारियों से रोजाना बचाव करें। और बाकी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया डायरिया उल्टी बुखार खांसी वगैरह बहुत सी बीमारियां बढ़ गई हैं। सावधान रहें, अपने आप को इम्यून रखें और सेहत का ध्यान रखें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का आगाज आज शुक्रवार से ही होने जा रहा। 8 दिन में होंगे कुल 34 खेल भी, उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजन होगा ना। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एसएससी ने एमटीएस के एडमिट कार्ड जारी किए, 30 सितंबर से परीक्षा शुरू होगी, 9583 पदों पर भर्ती होनी है। मध्य प्रदेश में भी नर्सिंग परीक्षाएं फिर से टली, छात्र छात्राओं में रोष देखा गया, अब 25 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3000 पदों पर भर्ती निकली हुई है, आवेदन 21 सितंबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट 4 अक्टूबर। और देखिए अब 30 सितंबर तक यूजी पीजी में एडमिशन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में अभी भी 50,000 सीटें खाली हैं, इसलिए 3 बार सरकार ने तारीख बढ़ाई और अभी भी आप छत्तीसगढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं 30 सितंबर तक, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखिए रोडवेज में 15,000 ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती आने वाली है, अगले महीने अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मृतक आश्रितों के लिए भी कैबिनेट में जल्दी प्रस्ताव लाया जाएगा। वही खबर है दोस्तों यूपी में देखिए, अमेठी के जाइस स्थित RGPTI में होगा केमिकल इंजीनियरिंग कांग्रेस का आयोजन, देश भर के 400 छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, होंडा कंपनी ने 300 सीसी और 350 सीसी की बाइक्स को वापस बुलाया है, क्योंकि इन बाइक्स में व्हील स्पीड सेंसर और कैम शाफ्ट में कुछ खराबी के मामले सामने आए, उसके बाद कंपनी ने रिकॉल किया है। कंपनी का कहना कि फ्री में पार्ट्स बदल कर देगी कंपनी, तो अगर आपके पास भी ये बाइक है कुछ दिक्कत आ रही तो एक बार शोरूम जाकर चेकअप करवा लें। और बुलेट शौकीनों के लिए खबर देखिए, रॉयल इनफील्ड बुलेट बटालियन ब्लैक वेरिएंट में लॉन्च हुई, कीमत 2.25 लाख रुपए। हुंडई कंपनी ने भी अपनी वेन्यू का एडवेंचर एडिशन लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 10,15,000 रुपए। ओके और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते दोस्तों। देखिए मिथुन राशि वालों को तरक्की मिलेगी, तुला और मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा भी आज मिलने की संभावना है। कर्क राशि के लोग अपने स्रोत का सही इस्तेमाल करें, मकर राशि के लोग एकाग्रता के साथ काम करें तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? आतिशी समेत टोटल नंबर ऑफ फीमेल सीएम की काउंटिंग लिखिए कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। अब मैं डेली आपको एक करंट अफेयर्स का सवाल पूछूंगा और उन्हीं में से रेंडमली विनर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनको गिव अवे मिलेगा। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा आईफोन 16 का गिव अवे करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं आप लोग बहुत बार कहते हो ना कि डीएलएस भाई बताते नहीं हो किसको क्या गिफ्ट दिया क्या नहीं दिया, तो ट्रांसपेरेंसी के तरीके से गिव अवे होगा, बिल्कुल लाइव वीडियो शूट करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड विद डीएलएस न्यूज, जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ख्याल रखना अपने आप का अपने परिवार का, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।